हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर चलते हैं जनकपुर के राजश्री जनक मंदिर। ये जानकी मंदिर से कुछ ही दूरी पर है और ये मंदिर काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, ये मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पे कुछ गमले लगे हैं, काफ़ी सजावट है। आगे चलते हैं, यहाँ शनि महाराज जी हैं, इनके दर्शन कर लेते हैं। जय शनि महाराज। और फिर प्रांगण में और भी कई मंदिर है। ये मंदिर का मेन गेट है। इस मंदिर में टोटल 3 गेट हैं। इस गेट के अंदर आते ही आपको इधर दाहिने हाथ पर एक दंडेश्वर नाथ बाबा का मंदिर मिलेगा। पहले इनके दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर शंकर जी विद्यमान हैं, जय भोलेनाथ शिवलिंग है, और नंदी बाबा हैं यहाँ पर, इनके दर्शन कर लेते हैं। फिर आगे चलते हैं, गेट से आप एंट्री करेंगे तो लेफ्ट साइड में भी एक मंदिर है, वहाँ के दर्शन कर लेते हैं। और वहीं पर ही शिवलिंग भी हैं और चरण पादुका है, उनके दर्शन कर लेते हैं। सामने एक और मंदिर है और इस मंदिर के बगल में ही अभी आप देखेंगे तो एक पुराना शिवलिंग है, इसके भी दर्शन कर लेते हैं। और फिर जो हमने कहा था, इसमें 3 गेट है, ये एक गेट और है जिसके सामने वो एक कुंड भी है, बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ से। फिर इस तरफ आते हैं, ये एक और मंदिर है, यहाँ पर भी भोलेनाथ के दर्शन आप लोगों को होंगे। चलिए वहाँ पर अंदर चलते हैं। ये देखिए, जय बाबा भोलेनाथ। अब हम लोग मेन गेट के बाहर आ गए, वहाँ का ये सीन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे पुराना पेड़ है, ये देखिए साइड में कुंड दिख रहा है। और ये राजश्री जनक मंदिर का ये मेन गेट है। अब इस मेन गेट से अंदर जाकर हम तो सामने देखिए मेन मंदिर दिख रहा है और वहाँ पर आपको अब हम दर्शन कराएंगे। इस मंदिर के दोनों साइड में रोड है, एक साइड कुंड है और एक साइड मार्केट है। चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर देखिए, सब भगवान की मूर्ति है, राजश्री जनक की, सीताराम जी की, जय श्री राम। और ये मंदिर के एक साइड का व्यू है, यहाँ पर ये हनुमान जी की मूर्ति है। और यहाँ पर एक छोटी सी दुकान भी है जहाँ आपको अंगोछा और कुछ धार्मिक पुस्तकें जैसे रामायण है और भी कई चीज़ें आपको यहाँ मिल सकती हैं। अब हम आपको लेकर आ गए हैं दशरथ मंदिर, जिसके सामने दशरथ कुंड है। जब रामचंद्र जी की बारात आई थी तो कहा जाता है दशरथ जी ने दशरथ मंदिर में ही 6 महीने यहाँ विश्राम किया था और उनके और बारातियों के स्नान के लिए ये कुंड बनाया गया था। इस कुंड के बगल में ही बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क भी बना है, ओपन जिम टाइप का। और अब हम आपको लेकर चलते हैं दशरथ मंदिर के अंदर। जब रामचंद्र जी की बारात आई थी तो दशरथ जी 6 महीने यहीं पर विश्राम किए थे और राजा जनक जी और दशरथ जी का संधि मिलन भी यहीं हुआ था। इस मंदिर में राजा दशरथ जी अपने चारों पुत्र के साथ यहाँ पर विराजमान है। राजा दशरथ की जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम।